उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में श्री पुलिन कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में महिला डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस मौके पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, इसलिए हम लोग 4 दिन तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और श्री पुलिन कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में धरना दे रहे हैं। हम लोग गदरपुर विधानसभा के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 1 दिन का सांकेतिक धरना कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज दिनेशपुर पुलिन कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरने में बैठे हैं। कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गूलर भोज में भी सांकेतिक धरना दिया जाएगा। भाजपा की डबल सरकार पर भी तंज कसा, कहा कि भाजपा की डबल सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, अब क्षेत्र को नए इंजन की जरूरत है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है वो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, लेडी डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे उसका मानक के अनुसार जो सारी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं होती हैं इसको लेके इसकी पूर्ति होगी यहाँ पे। इसके साथ साथ गुलर भोज, गदरपुर, केलाखेड़ा, तमाम जगह पे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, दवाइयों की कमी है, डिलीवरी केसेस में लोगों को रेफर कर दिया जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सरकारी अस्पताल केवल नाम के रह गए हैं और केवल रेफर सेंटर बन के रह गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।